कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पुनीत जैन, श्रीमती कविता जैन बिजली वाले दरियागंज दिल्ली। जय जिनी दर्शकों, मैं हूं तनु और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बागपत की धर्मदरा खेकड़ा स्थित निर्भय एंक्लेव श्री 1008 पार्श्वनाथ धर्णेन्द्र पद्मपति धाम में 3 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य आयोजित श्री 1008 मजिनेन्द्र पार्श्वनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में दूसरे दिन अर्थात 4 दिसंबर की भक्ति उल्लासपूर्ण गतिविधियों का। इस कार्यक्रम में जिनेन्द्र भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महामुनिराज ससंग 55 पिछे के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गढ़िनी यारिका श्री 105 सरस्वती माता जी के निर्देशन में पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित करते हुए गुरुवर से आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त किया। दर्शकों, कल आपने ध्वजारोहण एवं गर्भ कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग का आनंद लिया, तो आइए आज देखते हैं गर्भ कल्याणक उत्तर रूप प्रसंग दिवस के मनोहारी दृश्य। उत्तर प्रदेश प्रांत की प्रसिद्ध नगरी बागपत के खेकड़ा स्थित निर्भय एन्क्लेव श्री 1008 पार्श्वनाथ धर्णेन्द्र पद्मावती धाम में 3 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महामुनिराज ससंग 55 पिच्छी के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गढ़िनी आरिका श्री 105 सरस्वती माता जी के निर्देशन में श्री 1008 मजिनेन्द्र पार्श्वनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 6 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत 4 दिसंबर को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। अभिषेक के बाद पुण्य प्रतापी श्रावकों ने मंत्रोच्चारण के बीच पांडुशिला पर विराजमान तीर्थंकर की शांति धारा कर मंगल कामना की। अगले क्रम में पूज्य माता जी के निर्देशन एवं प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा उच्चारित मंत्रों के बीच श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव से श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए। अर्घ्य समर्पण एवं मंडल जी पर श्रीफल अर्पित करने के दौरान संगीतबद्ध स्वर लहरियों पर झूमते थिरकते जिनेन्द्र भक्त प्रभु भक्ति में लीन हो गए। बीच पूज्य आचार्य श्री का आगमन हुआ और उन्हें उच्चासन ग्रहण कराने के बाद श्रद्धालुओं ने श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत विशिष्ट जनों ने पूज्य संतों एवं प्रभु के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के पश्चात सौभाग्यशाली परिवारों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं जिनवाणी जी भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। चिरवंदित अर्पित प्रभु
इस अवसर पर कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथियों एवं गणमान्य जनों का माला पगड़ी आदि पहनाकर स्वागत अभिनंदन कर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे बढ़ा हमारा। अब समय था परम पूज्य आचार्य श्री एकसवार सुनील सागर जी महामुनिराज सत्संग की अमृतवाणी का। पूज्य आचार्य श्री ने पंच कल्याणक के महत्व को बताते हुए इसमें सम्मिलित होने वाले श्रद्धालुओं को मिलने वाले पुण्य फल के विषय में समझाया। इस देश में तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाए जाते हैं और कोई भी संतान के उत्सव मनाए जाते हैं, ऐसे में हम सभी भगवान के इस गर्भ कल्याणक पर एक प्रार्थना करें कि जैसे आप गर्भ में आकर के हमेशा हमेशा के लिए गर्भ के बंधनों से मुक्त हो गए, ऐसे ही मैं भी गर्भ में आया हूं, मैं भी ऐसा उपक्रम करूं कि हमेशा हमेशा कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाऊं। मेरे परिवार में जो संतान आए वो भी एक गर्भ ले, बार बार गर्भ और जन्म के चक्कर उसे ना भोगना पड़े, इस तरह का उद्यम करना गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और अंत में मोक्ष कल्याणक। जब तक गर्भ कल्याणक नहीं होगा तब तक आगे का कोई भी कल्याणक नहीं हो सकता। बोलो सौधर्मेंद्र जी, कुबेर महाराज, हो ही नहीं सकता। बीज नहीं है, बपन नहीं हुआ है, पौधा कहां से आएगा। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य नवीन प्रतिमाओं के समक्ष अर्घ्य समर्पण कर हल्दी चंदन आदि लगाए गए। इंद्राणी लोक ओम ब्रीम श्री क्लीम अहम रस्वादी वीरांते चतुर्विशंकर विपस्से अरत गुण संकल्पा मंत्र संस्कारा तत्समान रुचि भवतो अवेक ब्रंद मानता भवतो सम्यक हेत भवतो सर्व प्रजाजनम कल्याण। कार्यक्रम की अगली कड़ी में माता वामा देवी की गोद भराई की गई। महाराजा अश्वसेन एवं वामा देवी को संगीतवत वातावरण में कार्यक्रम स्थल लाकर उन्हें आसन ग्रहण कराने के बाद स्वागत सत्कार के साथ गोद भराई की गई। इस दौरान गोद भरते परिवार स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे, तो वहीं माता वामा देवी ने भी आशीर्वाद के रूप में अपनी गोद से सभी को द्रव्य प्रदान किए। गोद भराई के बाद कलाकारों द्वारा नृत्य एवं गायन के माध्यम से एक प्रेरक प्रसंग का मंचन कर सभी को प्रेरणा से भर दिया। मावती ने बन पे
नाटक मंचन के दौरान श्रावक श्राविकाओं ने आकर्षक मंगल दीपों से पूज्य गुरुवर एवं प्रभु की आरती कर विश्व कल्याण की भावना भाई। अब समय आया गर्भ कल्याणक उत्तर रूप प्रसंग का। प्रसंग के अनुसार स्वर्ग से आई अष्ट देवियां माता मरु देवी की सेवा में लगी हैं और देवियों की सेवा से तृप्त माता को निंद्रा आ जाती है। तब रात्रि के चौथे पहर में माता को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। जैसा कि आपने कल देखा था कि रात्रि के अंतिम पहर में माता बामा देवी 16 सपनों का दिग्दर्शन करती हैं। शारदा अर्पण गुरु को भक्ति से बंध पूजिए। सुबह माता के जागने पर अष्ट देवियां उनसे प्रसन्नता का कारण पूछती हैं, तो माता मरु देवी रात्रि में देखे गए 16 स्वप्न के विषय में बताती हैं और माता अष्ट देवियों से राज दरबार में ले चलने के लिए कहती हैं। कोई बात तो है जो आप हमसे छिपा रही हैं। अंतिम पहर में मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरा 16 सपने देखे हैं। हे देवियों, सबसे पहले मैं मुख शुद्धि करूंगी, उसके बाद मंगल स्नान करूंगी, फिर देव शास्त्र गुरु की पूजा करूंगी, फिर स्वप्न ज्ञाता स्वप्न शास्त्री ज्ञाता महाराज श्री अश्वसेन से के राज दरबार में जाकर उन सपनों का फल जानूंगी। समझ गई ना? इधर राज दरबार में महाराजा अश्वसेन अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन कर रहे हैं, तभी माता वामा देवी अष्ट देवियों के साथ दरबार में पधारती हैं और महाराजा अश्वसेन को 16 स्वप्न के विषय में बताती हैं। हे सेनापति, अब हमें सैन्य व्यवस्था के बारे में अवगत कराए। जो आज्ञा महाराज। राजा का सेनापति चला है ये अधिपति। जय जय मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 16 सपने देखे हैं। कृपा हमें उन सपनों का फल बताइए। पहले सपने में हाथी देखा ऐरावत मध्यमाला, दूजे सपने में बैल जो देखा उन्नत कंठ वाला, सिंह सपने में देखा जी पिछली रात को, कहने आई राजा जी अपनी बात को, अजी मैंने सपना जो देखा पिछली रात को। स्वप्न बताने के बाद माता वामा देवी महाराजा अश्वसेन से फल कथन के लिए कहती हैं। महाराजा अश्वसेन फल कथन के रूप में तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अवतरण की जानकारी देते हैं। मूर्ति तीर्थंकर सुत हो जागा भाग्य हमारा, धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो जागा भाग्य हमारा, सुनो प्रेमी तुम्हें सुनाओ सपनों का फल प्यारा, गज देखन से सुत उत्तम हो वृषभ से जग गुरु होवेगा, सिंह देखन से पराक्रमी मला तीर्थंकर होवेगा, कमल नवन से नवन गिरी कर देव मिले अति प्यारा है, धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो जागा भाग्य हमारा है, सुनो प्रेमी तुम्हें सुनाओ सपनों का फल प्यारा है, धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो जागा भाग्य हमारा।
देवी, आपने जो अंतिम सपने देखा, ये आपके गर्भ में एक हाथी प्रवेश कर गया। उसका अर्थ यह है आपके गर्भ में तीर्थंकर प्रभु के जीव का गर्भ अवतरण हो चुका है। अगले क्रम में स्वर्ग से आई 56 देवियां माता मरु देवी के समक्ष अपने भक्ति भाव प्रकट करते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार के उपहार भेंट करती हैं। स्वर्गों से ये देवी आई, स्वर्गों से ये देवी आई, होने होने पर सिंह ललन माता को मिले। जब सिंह रथने पर सिंह रथने पर सिंह रथने माता को मिले। अरे अब सब मनाई मिले खुशियाँ, मनाई मिले खुशियाँ। वहीं भगवान पार्श्वनाथ के अवतरण की जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है और बधाई गीत संगीत के साथ वातावरण आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, जिन भर आएंगे। जय हो, जिन भर आएंगे। जिन पर आएंगे तो आगे ना सजाऊंगी, अरे दीप जला के दिवाली है मनाऊंगी। हाँ, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। कि काशी नगरी में आनंद आया, कि नर नारी का मन हर्षाया, कि नर नारी का मन हर्षाया, कि धन पति रतन लुटा। अब तो मिलकर दीप जला लो, काशी नगर में खुशियां मना लो, काशी नगर में खुशियां मना लो। दर्शकों, भी आप देख रहे थे परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महापुरी राज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित श्री 1008 मचिनेन्द्र पार्श्वनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में दूसरे दिन यानी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के आनंदमय दृश्य। पुनः बता दें कि यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश प्रांत के शहर बागपत की पुण्यधरा खेकड़ा स्थित निर्भय एंक्लेव श्री 1008 पार्श्वनाथ धनेन्द्र पद्मावती धाम में 3-8 दिसंबर 2023 के मध्य परम पूज्य गढ़िनी आरिका श्री 105 सरस्वती माता जी के मार्ग निर्देशन में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि स्थानीय जैन उपासकों ने जहां प्रभु की शांति धारा अर्घ्य समर्पण एवं आरती कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की, तो वही बाहर से पधारे श्रद्धालुओं ने भी कार्यक्रम में सहभागिता कर धर्म की प्रभावना की। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा, हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस भव्य कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पुनीत जैन, श्रीमती कविता जैन बिजली वाले, दरियागंज दिल्ली।